जी हाँ दोस्तों, पहले कुछ क्वार्टर हुए थे लेकिन अभी कुछ साल हो चुके हैं जब से क्या कि बीएनबी का बर्न तो लगातार होता आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें डब्ल्यूआरएक्स की तो उसका बर्न नहीं हुआ है। तो आज फिर से हम वही मुद्दा उठाने वाले हैं कि शायद ये बात बाइनेंस तक पहुंच पाए कि अगर उन्होंने अपने बीएनबी का इतना ध्यान रखा हुआ है कि रेगुलर बेसिस पर बर्न कर रहे हैं तो इसी के साथ डब्ल्यूआरएक्स का बर्न भी करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि डब्ल्यूआरएक्स फिर से उसी लाइन पे आएगा जिसने हमें सबसे अच्छा प्रॉफिट भी दिया था एक समय पे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है बर्न को लेकर, और इसी के साथ हम बात करने वाले बीटीसी के बारे में, क्योंकि लगातार इसके प्राइस में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। इसका आपको मेन रीजन बताऊंगा कि अभी इतना बड़ा मूव क्यों देखने को मिल रहा है बीटीसी में। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो कि बहुत ही जरूरी आप सभी के लिए, क्योंकि वहां पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे हम सारे अपडेट सबसे पहले डालते हैं। तो बीएनबी की बात करने से पहले आपको बता दूं कि बीटीसी का प्राइस अभी $27,800 के आसपास चल रहा है। आज के दिन ही इसकी वैल्यू लगातार बढ़ी है, लगभग $5,600 की वैल्यू बढ़ी है इसमें, यानी कि ऑलमोस्ट $28,000 के आसपास पहुंचा है। तो यहां मैं आपको बताने वाला मेन रीजन क्या है कि जो यूएस गवर्नमेंट है, अभी एक चीज सामने आई कि यूएस गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास $5 बिलियन वर्थ के बिटकॉइंस पड़े हैं। हालांकि स्ट्रेटजिक क्रैकडाउन किए गए, साइबर क्राइम डार्कनेट एक्टिविटीज से इकट्ठा किया गया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अगर कोई होल्डर है तो वो इस वक्त यूएस गवर्नमेंट ही है। अब आपको लग रहा होगा कि यूएस गवर्नमेंट हमेशा सारी एक्सचेंजेस को या फिर प्रोजेक्ट्स को एसईसी के द्वारा किसी न किसी तरीके से क्या कि इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, या फिर उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर देते हैं, या फिर उनमें कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। जैसे कि पहले एक्सआरपी का, रिपल का बहुत लंबे समय से चल रहा है, बाइनेंस के ऊपर भी सेम ऐसे ही चल रहा है, और ये हमेशा चलता ही रहता है किसी न किसी प्रोजेक्ट के साथ। एफटीएक्स का भी हमने देखा है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई है कि अभी इन्होंने साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के द्वारा या फिर क्रैकडाउन करके डार्कनेट प्लेटफॉर्म्स के द्वारा यहाँ से जितना भी इन्होंने पैसा इकट्ठा किया वो सारे के सारे इन्होंने बीटीसी अपने पास रखा हुआ है। तो जितना भी वहाँ पैसा पड़ा होता है, चाहे वो बिटकॉइन में हो, किसी भी करेंसी में हो, तो ये पूरा का पूरा पैसा हड़प लेते हैं या फिर अपने पास रख लेते हैं, जिससे एक स्ट्रैटेजी इनकी बन चुकी है, जिससे क्या कि अपनी बिटकॉइन की होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं लगातार। अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि पहले एक सिल्क रोड के नाम से ड्रग मार्केट प्लेस थी बहुत लंबे समय पहले, 2013 में। तो ये डार्कनेट एक्टिविटीज़ में आता है, तो उस वक्त यह कि ड्रग्स को ऑनलाइन सेल किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे भी जो पेमेंट्स हो रही थी वो सारी की सारी बिटकॉइंस में हो रही थी। तो वो बंद करने के बाद भी इनके पास बहुत बड़ा अमाउंट आया बीटीसी का। लेकिन ऐसे ही और भी कोई ना कोई जो ऑपरेशंस चलते रहते हैं, यानी कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर ये बंद करते हैं तो वो पैसा इन्हीं के पास जाता है बीटीसी के रूप में। अब गवर्नमेंट खुद तो पैसा नहीं लगा रही है, खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअल में नहीं कर रही है इन क्रिप्टोकरेंसीज में, लेकिन फिर भी इनका विश्वास है क्रिप्टोकरेंसी में, यही कारण है कि इन्होंने बिटकॉइन को होल्ड किया, वरना ये सेल करके उसको लिक्विड फॉर्म में भी रख सकते थे या फिर ये अमाउंट वापस भी कर सकते थे। और ये ऐसा ही होता है, जब भी जो लीगैलिटी सेटल हो जाती है या फिर जब भी केस सेटल हो जाता है तो यूएस मार्शल सर्विस जो है उनको क्या करना होता है कि सारे एसेट्स को लिक्विडेट करना होता है। और इसी के साथ ये भी पॉसिबिलिटी कि ये वही बिटकॉइंस को ही ऑक्शन भी कर सकते हैं, ऑक्शन करके सेल भी कर सकते हैं। एक्चुअल में दिखाया तो यही जाता है कि ऑक्शन करके पैसा जो आएगा वो इन्वेस्टर्स को वापस कर देंगे, लेकिन जनरली क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका होता है तो ये पैसा अपने पास रखते हैं। यही कारण है कि बीटीसी के पास बहुत ज़्यादा है, और ये अपडेट आने की वजह से एक बहुत अच्छा बूम हमें देखने को मिला, बीटीसी का प्राइस करीब $28,000 के आसपास पहुंचा। तो ऐसे ही जब भी कोई अच्छी अपडेट्स आती रहेंगी फॉर श्योर बीटीसी का प्राइस आगे बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन क्या है कि एक अच्छी अपडेट आई है बीएनबी को लेकर, तो लास्ट वीडियो जाकर जरूर चेक कर लेना जिसमें आपको ये बताया था कि आपने कैसे फार्मिंग करनी है एनटीआरएन कॉइन की। तो न्यूट्रॉन के नाम से कॉइन है जिसकी आप फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप अपने बीयूएसटी या बीएनबी को स्टे कर सकते हैं। सॉरी बीयूएसटी नहीं, लेकिन इसमें टीयूएसडी रहता है और एफडीयूएसडी रहता है, तो तीन पूल्स है, वहां पे अपना अमाउंट जो है स्टे कर दो और उसके ऊपर आपको अमाउंट मिलता रहेगा एनटीआरएन का, जो कि लगातार आपको 20 दिन तक मिलने वाला है। अभी कुछ ही दिन बचे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो बीएनबी का क्या हुआ कि अभी 25th क्वार्टरली बर्न इन्होंने किया आज के दिन, जिसमें 2.1 बिलियन बीएनबीज को बर्न किया गया। इसी के साथ साथ अगर हम क्वार्टर का जो पायनर बर्न प्रोग्राम में आते हैं बीएनबीज, उसमें आते हैं 314 बीएनबी, यानी कि 314 बीएनबी इससे अलग से भी बर्न किए गए, जो कि ट्रांजैक्शन के बेसिस पर चलते रहते हैं धीरे धीरे करके। तो यही मुद्दा मैं उठाने वाला था कि आप देख सकते हैं कि बीएनबी का बर्न लगातार हो रहा है, 25th क्वार्टरली बर्न इन्होंने कर दिया है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि लगभग कितने साल हो गए, 6 साल हो चुके हैं, 6 साल और 1 महीना जब से ये अपना बीएनबी का बर्न लगातार कर रहे हैं। वही अगर हम इसको कंपेयर करते हैं डब्ल्यूआरएक्स के साथ, जो कि वजीरएक्स का था, उसका बर्न नहीं हो पा रहा है क्योंकि वजीरएक्स का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वरना वजीरएक्स जरूर उसको बर्न करता, और कंट्रोल है तो वो है बाइनेंस का। बाइनेंस का कंट्रोल भी है, इनके पास अमाउंट भी पड़ा है, इन्हीं के वॉलेट्स में पड़ा है, लेकिन ये डब्ल्यूआरएक्स का बर्न नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डब्ल्यूआरएक्स की वैल्यू भी नहीं बढ़ पा रही है।
तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले कम से कम 8 से लेकर 10 बर्न्स जो पेंडिंग है WRX के, वो अभी तक नहीं हुए हैं। लेकिन BNB की बात करें तो 25 क्वार्टरली बर्न हो चुके हैं, जिसकी आज की अगर हम वैल्यू की बात करें तो डॉलर्स के हिसाब से $460 मिलियन बनते हैं। यानी कि इतना बड़ा इन्होंने बर्न आज कर दिया, यानी कि इस एक्सचेंज के पास इतना ज्यादा पैसा है कि ये बर्न कर सकते हैं। इनको नहीं फर्क पड़ता कि करोड़ों की ट्रांजेक्शन है या फिर अरबों की है। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि बर्न में क्या होता है कि ये कॉइन्स को किसी डेट वॉलेट में डाला जाता है या फिर ऐसे वॉलेट्स में डाला जाता है जहाँ से कभी भी कॉइन वापस नहीं आते। तो जिससे क्या है कि ये कॉइन्स सर्कुलेशन से बाहर चले जाते हैं। जब सर्कुलेशन से बाहर जाते हैं तो इसकी जो एक्चुअल में सप्लाई है, टोटल सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। सप्लाई कम होने की वजह से क्या है कि जो डिमांड पहले थी वो डिमांड वहीं पर रहती है, लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। इसका मतलब टेक्निकली ये बनता है कि डिमांड बढ़ चुकी है और सप्लाई कम हो गई है। और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, इसका मतलब है कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से कॉइन की वैल्यू और भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। और अभी जो टोटल वॉल्यूम है BNB का, वो बाइनेंस के ऊपर लगभग 30% के आसपास है, यानी कि बाइनेंस के ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं। और एक चीज जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि लगभग 60% या फिर उससे भी ज्यादा जो वॉल्यूम है WRX का, वो बाइनेंस के ऊपर है, यानी कि बाइनेंस के ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं। क्योंकि पूरा कंट्रोल जब वो बाइनेंस के पास ही, अगर वजीरेक्स के पास होता तो इनके पास बहुत बड़ा अमाउंट होना था। तो हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के डाटा के हिसाब से कि वजीरेक्स के पास शायद 1% है या फिर 2%, ज्यादा से ज्यादा 2% होगा, लेकिन ये 1% या 1.5% के आसपास ही इनके पास वॉल्यूम है। वही अगर हम बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस के पास 60% के आसपास WRX का वॉल्यूम है। अगर हम इनके खुद के कॉइन की बात करें तो BNB इनके पास अपना पड़ा 30% के आसपास, यानी कि अपनी एक्सचेंज का अपना कॉइन इन्होंने इतना बड़ा रखा हुआ है। लेकिन अगर हम WRX के WRX की बात करें तो WRX के पास इतना अमाउंट नहीं पड़ा। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इसको होल्ड करके भी बैठे हैं, कंट्रोल करके भी बैठे हैं, बर्न भी नहीं कर रहे हैं, इसके एक्टिविटीज़ भी नहीं होने दे रहे हैं, इसमें डेवलपमेंट भी नहीं होने दे रहे हैं, ना WRX में ना ही WRX में, जिस कारण WRX बहुत ज़्यादा पीछे पिछड़ चुका है। और आप देख सकते हैं WRX का कोई बर्न भी नहीं हो रहा है। तो ऑल ओवर मैंने यही आपको बताना था कि बाइनेंस का कंट्रोल जो है वो बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। बाइनेंस ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को, एक्सचेंजेस को ख़त्म करने की कोशिश करी है और ये लगातार ऐसे होता आ रहा है। हर एक कंट्री में ये जाते हैं और किसी न किसी एक्सचेंज को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये उसी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करते हैं, ये बोल के कि हम आपको पूरा डाटा देंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी रखने का मतलब इनका दूसरा उल्टा होता है कि ये उसी एक्सचेंज को ख़त्म करवाने में सहायता करते हैं, क्योंकि वो ख़त्म होगी तो इनका अपने आप कंट्रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो वॉल्यूम है वो इनके ऊपर अपने आप आ जाएगा। यही कारण है कि WRX से या फिर इंडियन एक्सचेंजेस से जो वॉल्यूम है वो हटकर क्या है कि बाइनेंस के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में, BNB के बारे में, WRX के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हाँ, अभी बहुत अच्छी अपडेट जो मैंने आपको बताई है कि अभी जो $5 बिलियन के बिटकॉइन पड़े हैं US गवर्नमेंट के पास, उसकी वजह से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव और हम देख पा रहे हैं पूरी मार्केट में कि अगर US गवर्नमेंट, जो इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, उनके पास अगर BTC है तो शायद ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉइन या फिर एज ए मीडियम ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी हो सकता है। किसी और कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।